चो कैसे हो आप। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ दो खेलें कूदें और मौज मनाएं आपके सामने लेकर आए हैं। आशा है आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। देखो सोचो और लिखो, दिए गए खेलों को पहचानो, और चित्र के नीचे खेल का नाम भी हमने लिखना है। ये देखो बच्चों, दो बच्चे कुश्ती कर रहे हैं। ये खेल का नाम है कुश्ती। अखाड़े में कुश्ती कर रहे हैं। इस खेल का क्या नाम है? कुश्ती। ये आप छोटे बच्चे सभी खेलते हैं। सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है। ये हमारा सांप सीढ़ी का खेल है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। ये बच्चे खो खो का खेल खेल रहे हैं। आपको ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो बच्चे हैं वो कौन सा खेल खेल रहे हैं? खो खो का खेल खेल रहे हैं। उसके बाद हमारा कैरम बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा कैरम का खेल है। कैरम, कैरम बोर्ड। ये दो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं कि विकेट कीपर है और एक बैट्समैन है। तो ये कौन सा खेल है? क्रिकेट का खेल है बच्चों। उसके बाद हम देख रहे हैं ये बॉक्सिंग का आपने दिखाई दे रहे हैं। ग्लाउज पहने हुए दो खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा? रिंग में दो खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो कौन सा खेल है ये? मुक्केबाजी। बॉक्सिंग का खेल है बच्चों ये, मुक्केबाजी। ये आपको दिख रहे हैं राजा और जो सिपाही दिख रहे हैं आपको, ये शतरंज का खेल है बच्चों। आपके पिताजी और आपके चाचा जी आपने कभी देखे होंगे शतरंज का खेल खेलते हुए। ये दो, एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहे हैं आपको। ये हॉकी खेल रहे हैं। आपने भी कभी हॉकी खेली होगी ग्राउंड में। ये टेबल टेनिस है बच्चों। टेबल टेनिस का खेल आपको दिखाई दे रहा है, टेबल टेनिस। ये दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। ये फुटबॉल का खेल है। आगे चलते हैं बच्चों। तुम्हें इनमें से कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है? इनमें खो खो का खेल मुझे सबसे अधिक पसंद है, क्योंकि बच्चों को खो खो का खेल बहुत अधिक पसंद होता है। उस खेल को घर के अंदर खेलते हैं या बाहर मैदान में? इसमें कौन से खेल के बारे में जिक्र किया है, इसने वर्णन किया है। उस खेल को घर के अंदर खेलते हैं या बाहर मैदान में खेलते हैं? खो खो के खेल का वर्णन किया गया है। खो खो का खेल जो है वो मैदान में खेलते हैं। आगे देखिए बच्चों, पेज नंबर 11 पर चलते हैं। तो बच्चों हम अब आ गए हैं पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 देखिए, इन खेलों में से कौन से खेल प्रायः बाहर मैदान, आउटडोर बोलते हैं, जो बाहर मैदान में खेल खेले जाते हैं उनको आउटडोर खेल खेल बोलते हैं। बाहर मैदान आउटडोर में खेले जाते हैं, और कौन से घर के अंदर इंडोर में खेले जाते हैं, यानी घर के अंदर जो खेल होते हैं वो इंडोर बोलते हैं उनको। तो यहाँ तालिका बनी हुई है, आप देखिए। मैदान में खेले जाने वाले खेल और घर के अंदर खेले जाने वाले खेल का नाम बताना है। मैदान में हम कौन कौन से खेल खेलते हैं आप सभी को पता है। जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में लंच में खेलते हैं या सुबह प्रार्थना से पहले खेलते हैं। मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, खो खो है। ये सभी खेल जो हैं मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं। उसके बाद घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं? जैसे हम छुट्टियों में खेलते हैं कैरम बोर्ड पे, कैरम खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। ये हमारे घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं। इनको इंडोर बोलते हैं, और इनको मैदान में खेले जाने वाले खेलों को आउटडोर बोलते हैं बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, खेल दिवस की रौनक। आज शिवानी के विद्यालय में खेल दिवस मनाया जाएगा। स्कूल में बहुत चहल पहल है। स्कूल को कागज़ की रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया है। मैदान में एक छोटा सा पंडाल बनाया गया है। चूने और लाल मिट्टी से खेलों के लिए मैदान में कई स्थान बनाए गए हैं। खिलाड़ियों ने खेल के लिए पहने जाने वाले कपड़े पहने हुए हैं। स्कूल बैंड की धुन के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया है। मुख्य अतिथि कौन होता है? जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम स्कूल में झंडा फहराने के टाइम पे बुलाते हैं, उसको मुख्य अतिथि बोलते हैं। उसका अच्छा से स्वागत किया जाता है। तो स्कूल बैंड की धुन के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने तिरंगा झंडा फहराया। सभी ने राष्ट्रगान गाया। इसके बाद खेल शुरू हुए। तो बच्चों, मुख्य अतिथि ने क्या किया? तिरंगा झंडा फहराया और राष्ट्रगान गाया। इसके बाद हमने फिर खेल शुरू किया। अब बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल में भी कभी खेल दिवस मनाया गया है, और कब मनाया गया है? हाँ हमारे स्कूल में भी खेल दिवस मनाया गया है। 14 नवंबर को, बाल दिवस के दिन 14 नवंबर को खेल दिवस हमारे स्कूल में मनाया गया। तुम्हें कौन सा खेल सबसे अच्छा लगा था? मुझे खो खो का खेल सबसे अच्छा लगा था। तुमने किस किस खेल में भाग लिया था?
मैंने खो खो बैडमिंटन कबड्डी में भाग लिया था। तो बच्चों हम अब चलते हैं पेज नंबर 12 पर। सोचो और लिखो, तुम्हारे स्कूल में और किन अवसरों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है? हमारे स्कूल में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया जाता है। बच्चों 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। तो हमारा झंडा जो है हमारे स्कूल में 15 अगस्त को और 26 जनवरी को फहराया जाता है। तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? कॉपी में उसका चित्र बनाओ और रंग भरो। तिरंगे झंडे में बच्चों 3 रंग होते हैं। सबसे पहले केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है। तो हम अपना जो तिरंगे का जो चित्र है वो अपनी कॉपी में बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। बच्चों केसरिया, सफ़ेद और हरा। आगे चलते हैं, खेलें खेल। एक जगह रस्सा कसी का खेल हो रहा था। दोनों टीमें रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचने में पूरा जोर लगा रही थी। दूसरी जगह कबड्डी का खेल चल रहा था। एक टीम के एक खिलाड़ी ने कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी टीम के खिलाड़ी को छुआ। छूकर वापस अपनी टीम की तरफ आने लगा तो जिस खिलाड़ी को छुआ गया था वह बोला, मुझे छूते समय तुम कबड्डी कबड्डी बोलते हुए रुक गए थे, इसलिए मैं आउट नहीं हूँ। ओह ये क्या, कबड्डी के मैदान में शोर मच गया। दोनों टीमों में बहस होने लगी। मुख्य अध्यापिका ने तुरंत वहाँ पहुँचकर बच्चों को समझाया कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, खेल में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। खेल में हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण खेल में भाग लेना होता है, खेल को खेलना होता है और वो भी प्यार से खेलना होता है। तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आपस में हाथ मिलाए और फिर खेल शुरू हो गया। उसके बाद है सोचो और लिखो। खेल खेलते समय क्या कभी तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? यदि हाँ तो तुमने उसे किस प्रकार सुलझाया? हाँ, मेरा मेरे दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ है, पर हमने उसे आपस में बात करके प्यार से सुलझा लिया था। खेलते समय कई बार झगड़ा हो जाता है, लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए बच्चों, प्यार से खेलना चाहिए। सभी खेल प्यार से खेलने चाहिए, कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। तो बच्चों ये था लेसन, पेज नंबर हमारा 12 तक हमने पढ़ लिया है। पेज नंबर 13 फिर पढ़ेंगे।